गद्दे, चादर, पर्दे, डोरमेट, सोफे की गद्दी व कवर, दोहर, कंबल, रजाई मिलने का स्थान अप्सरा इंटरप्राइजेज, बजाजी लाइन, दमोह। 55 से लेकर 55 तक हर उम्र के रेडीमेड कपड़े व साड़ियों का संपूर्ण कलेक्शन एक ही छत के नीचे। किड्स वेयर, गर्ल्स वेयर, लेडीज वेयर, मेंस वेयर, राधा किशन सुपर मार्केटिंग, बूंदाबाऊ कॉम्प्लेक्स, दमोह, बाजार से कम कीमत पर उपलब्ध। बेल्टवॉच न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को विकास अग्रवाल का नमस्कार। दमोह शहर के आसपास की ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, जिससे आपको हर खबर का तुरंत अपडेट मिलता रहे। आइए नजर डालते हैं बड़ी खबर। मध्य प्रदेश के दमोह रेलवे स्टेशन के समीप करैया फाटक व आनू फाटक के समीप एक मालगाड़ी के कुछ डिब्बे ट्रेन से छूट गए हैं। बताया जा रहा है कि पाइप फटने की वजह से यह हादसा हुआ है। हम आपको बता दें कि कुछ दिन पूर्व भी रेलवे स्टेशन के समीप एक ट्रेन के कुछ चक्के निकलकर दूसरी पटरी पर जा फेंके थे। एक बड़ा रेल हादसा सामने आया था। वहीं चंद किलोमीटर की दूरी पर एक और रेल हादसा सामने आया है, जहाँ चलती ट्रेन से कुछ डिब्बे पाइप फटने की वजह से छूट गए हैं। मौके पर अभी अधिकारियों की टीम नहीं पहुंची है। अधिकारियों को इस चीज़ की जानकारी दी जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं मध्य प्रदेश के दमोह जिले से, जहां अभी कुछ दिन पूर्व एक रेल हादसा हुआ था, जहां एक जानवर के कटने की वजह से डिब्बे के कुछ चक्के निकल कर फेंक गए थे। वहीं आज आनू फाटक व करैया फाटक के समीप एक मालगाड़ी के कुछ डिब्बे ट्रेन से छूट गए। बताया जा रहा है कि पाइप फटने की वजह से यह हादसा हुआ है। गनीमत रही कि कोई भी बड़ा हादसा सामने नहीं आया। अधिकारियों को इस चीज़ की जानकारी दी जा रही है। फिलहाल ट्रेन वहीं रुकी हुई है। ट्रेन के कुछ डिब्बे पटरी से ट्रेन से कट गए हैं, डिब्बे छूट गए हैं, पाइप फटने की वजह से यह हादसा बताया जा रहा है। अधिकारियों के मौके पर पहुँचने के बाद ही सही स्पष्ट जानकारी हो पाएगी। फिलहाल आप देख सकते हैं रेल दो हिस्सों में बटी नजर आ रही है। आनू फाटक के पास मालगाड़ी टूट गई है। भारत सरकार है, मोदी जी की सरकार। पलटी नहीं है, और मैं वो भगत पीछे पीछे तेज नहीं हटी जाती है।